भारत ही नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वगैरह आम लोगों से काफी अलग है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़ गए हैं। इस कारण भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार साल 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बात करें भारत की, तो देश को स्वतंत्रता दिलाने में आदिवासियों की भी काफी अहम भूमिका रही है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में जानते हैं एक ऐसे आदिवासी नेता की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फूका था आजादी का बिगुल। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की गाथा। जानेंगे आज की गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की में। ब्रिटिशों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन उनके लिए ये समय इतना आसानी से नहीं गुजरा था। भारत के ऐसे कई क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश की नाक में दम कर रखा था। उन्हीं में से एक थे बिरसा मुंडा। उन्होंने 25 साल की कम उम्र में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय के लोग तो उन्हें भगवान भी मानते थे। बिरसा मुंडा ने न केवल आजादी में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए थे। भले ही बिरसा मुंडा बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके साहसिक कार्यों के कारण वो आज भी अमर है। बिरसा मुंडा ने बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। अंग्रेज भी उनसे खौफ खाने लगे थे। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो 25 साल के भी नहीं हुए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1857 को मुंडा जनजाति में हुआ था। उन्हें बांसुरी बजाने का काफी शौक था। वो पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सलगा से हुई थी, लेकिन उन्हें जर्मन मिशन स्कूल भेज दिया गया था, जहां वे ईसाई बनकर बिरसा डेविड हो गए थे। वहां पढ़ाई करने के दौरान उन्हें ब्रिटिश द्वारा धर्मांतरण कराए जाने का पूरा खेल समझ आ गया था, जिसके चलते उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और साथ ही साथ ईसाई धर्म को भी त्याग दिया था। ईसाई धर्म का प्रत्याग करने के बाद उन्होंने अपना नया धर्म बिरसैत शुरू किया था। जल्द ही मुंडा और उराव जनजाति के लोग उनके धर्म को मानने लगे थे। बिरसा मुंडा के भाषणों से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए कोई टैक्स ना देने की अपील की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि अब विक्टोरिया रानी का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। मुंडा उन्हें धरती आबा कहने लगे थे। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिससे जमींदारों के घर से लेकर खेत तक की भूमि का कार्य रुक गया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन बौखला गए। बिरसा मुंडा ने पुलिस स्टेशनों और जमींदारों की संपत्ति पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशों के झंडों को उखाड़कर सफेद झंडा लगाए जाने लगे थे, जो मुंडा राज का प्रतीक था। मुंडा के इतना करने पर भी ब्रिटिशों की नाक में दम हो गया था। उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। पहली बार 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनको 2 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से बदले की भावना और तेज हो गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी। डोंबारी पहाड़ी पर सेना और आदिवासियों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने सिर्फ 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी।
अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के बढ़ते विरोध के चलते ब्रिटिशों को अपनी सरकार गिरने का डर सताने लगा था। इसी के चलते उन्होंने इसे रोकने के लिए साजिश रची थी। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया था, जिसके चलते 3 मार्च साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में जाने के बाद दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई थी। जेल में बिरसा मुंडा को बिल्कुल एकांत में रखा गया था, यहाँ तक कि उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। उन्हें बस 1 घंटे के लिए कोठरी से बाहर निकाला जाता था। ऐसे में उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और 9 जून साल 1900 को बिरसा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया। हालांकि उनके दोस्तों का दावा है कि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने मारने के लिए जहर दिया था। जेल में जाने से पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का बिगुल फूंक दिया था। भले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन लोगों के लिए वो तब भी भगवान के समान थे और आज भी उनकी संघर्ष की गाथा को याद किया जाता है। तो आज की कहानी में हमने गाथा सुनी एक ऐसे आदिवासी नेता की, जिन्होंने कई वर्ष पहले ही बिगुल फूंक दिया था आजादी का। रोजाना स्वतंत्रता सेनानियों की यूं ही अनोखी गाथाओं को जानने के लिए देखते रहिए गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की, सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।